अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दसर सैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमलेट प्ले के एक्ट 5 सीन 1 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। तो ये हैमलेट प्ले का सेकंड लास्ट सीन है, इसके बाद सीन 2 है जो कि हैमलेट का लास्ट सीन है, उसके बाद है जो हमारा हैमलेट प्ले है, ये हमारा सारा कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को समरी भी देखनी है, इसकी समरी अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं सीन वाइज समरी को डिस्कस कर दूंगा। पहले तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने एक्ट वाइज समरी को डिस्कस किया है, तो इस वीडियो में मैं सीन वाइज समरी को डिस्कस कर दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो इस सीन से पहले हमने देखा था कि जो हैमलेट है वो लेटस को क्लॉडियस को एक खत लिखता है जिसमें वो बताता है कि वो वापस आ रहा है। तो ये सुनकर लेटस को भी पता चल जाता है। तो लेटस और क्लॉडियस दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह वो हैमलेट को मतलब फाइट के अंदर कत्ल करेंगे। तो इंट्रो इस सीन का अगर देखें तो इस सीन में क्या होगा, तो दो ग्रेव डिगर हमें देखने को मिलते हैं जो कब्रें खोद रहे होते हैं, उनकी आपस में डिस्कशन देखने को मिलती है। उसके बाद वहाँ पर हैमलेट और होरेशो आते हैं, वो थोड़ी बातचीत करते हैं उसके साथ। उसके बाद भी देखते हैं कि ओफिलिया का जनाजा आता है। फिर जब हैमलेट को पता चलता है कि ये ओफिलिया है तो वो भी रोने लग जाता है, तो वो भी मतलब अफसोस करता है। इस सीन में ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगी। ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है अ चर्च यार्ड, एक कब्रिस्तान है जहाँ पर इंटर टू क्लाउंस, क्लाउंस मतलब देहाती लोग, जो आम छोटे मोटे लोग होते हैं ना, छोटा मोटा जो काम करते हैं, हु आर ग्रेव डिगर्स, जो कि कब्रें खोदने वाले हैं। पहला जो क्लाउन है मतलब पहला जो आदमी है ना, वो कहता है इज शी टू बी बर्ड इन क्रिश्चियन ब्यूरियल दैट विल फुली सीक्स हर ओन सेलिब्रेशन। कहता है कि ये जो लड़की है जिसने अपनी मर्जी से अपनी जान ली है यानी कि खुदकुशी की है, क्या इसको ईसाइयों के मुताबिक दफनाना चाहिए या नहीं। पहला जो आदमी है ना वो दूसरे आदमी से पूछता है। अच्छा, तो सेकंड जो दूसरा आदमी है वो उसको कहता है, मतलब अनदर जो आदमी है वो कहता है कि आई टेल दी शी इज़, मैंने तुम्हें कहा ना कि हाँ इसको ऐसे दफनाना चाहिए, एंड देयर फॉर मेक हर ग्रेव स्ट्रेट, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ जल्दी से इसकी कब्र बनाओ, द क्रोनर हैथ सेट ऑन हर। अच्छा, क्रोनर क्या होता है? क्रोनर कहते हैं कि वो बंदा एक ऐसा आदमी होता है या एक ऐसा आदमी होता है जिसकी ड्यूटी ये होती है कि जब कोई मर जाता है ना तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करता है, अगर सस्पिशियस कोई मर्डर हो ना तो वो उसके बाद इन्वेस्टिगेट करता है कि ये बंदा जो है इसने खुद मतलब खुदकुशी की है या मतलब ये वैसे ही डूब के मरा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन वाला ऑफिसर जो होता है उसको कहते हैं क्रोनर। तो वो दूसरा आदमी पहले आदमी को कहता है कि जो क्रोनर है ना उसने भी अब डिक्लेयर कर दिया है कि मतलब इसको इसी ईसाइयों के मुताबिक ही दफनाना है, एंड फाइंड्स इट क्रिश्चियन ब्यूरियल, मतलब उसने भी हाँ कर दिया है और कहा है कि इसको ईसाइयों के मुताबिक दफनाना है इस लड़की को। पहले वाला कहता है कि हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है, अनलेस शी ड्रॉन्ड हरसेल्फ इन हर ओन डिफेंस। कहता है ऐसा तब तक नहीं हो सकता कि जब तक उसने अपने बचाव में मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो ना डूबी हो, लेकिन उसने तो खुदकुशी की है, कहता है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड वाला बंदा कहता है कि व्हाई इट इज फाउंड सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फर्स्ट वाला कहता है इट मस्ट बी सी ऑफेंडेंडो। ऑफेंडेंडो यहाँ पे जो टर्म है ना ये यूज़ होती है, कहता है कि ये जो काम है ना ये ऑफेंडेंडो है, मतलब एक मुजरिम को सजा देने का अमल है, मतलब ऑफेंडेंडो मतलब एक कत्ल हुआ है लेकिन उसको हम बचा रहे हैं, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ये वो वाला अमल है। इट कैन नॉट बी एल्स, इसके सिवा ये कुछ नहीं हो सकता। फार हेयर लाइज द पॉइंट, कहता है जो असल बात है ना वो ये है कि इफ़ आई ड्रॉन माई सेल्फ विटिंगली इट आर्ग्यूज एन एक्ट। कहता है असल बात तो ये है कि अगर मैं अपनी मर्जी से अपने आप की मतलब जान लेता हूँ ना, अपने आप को डुबोता हूँ, इट आर्ग्यूज एन एक्ट, तो इसका मतलब है कि इसमें मेरी मर्जी है, मतलब मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ, एंड एन एक्ट हैथ थ्री ब्रांचेज, और कोई भी जो काम होता है ना उसकी तीन शाखें होती हैं, मतलब तीन तरह से वो होता है, इट इज़ ये है टू एक्ट टू डू एंड टू परफॉर्म, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, मतलब इन तीनों का एक ही नाम है, करना मतलब काम करके दिखाना, उसको परफॉर्म करना और उसको करना, ये एक ही चीज़ है तीनों। फिर कहता है आर्गल, आर्गल का मतलब होता है देयर फॉर, सॉरी लैटिन में इसका मतलब होता है देयर फॉर, तो यहाँ पे भी इसका मतलब है देयर फॉर। कहता है देयर फॉर मतलब इसलिए शी ड्रॉन्ड हर सेल्फ विटिंगली, इसलिए कहता है बात यही है कि उसने अपने आप को अपनी मर्जी से डुबोया है, मतलब खुदकुशी की है। सेकेंड क्लाउन कहता है नहीं बट हेयर यू गॉड डैम डेलवर, कहता है नहीं, कहता है कब्र खोदने वाले मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, इधर होके मेरी बात सुनो। फर्स्ट वाला कहता है, फर्स्ट क्लाउन कहता है गिव मी लीव, कहता है रुको मुझे इस ये बात पूरी करने दो, हेयर लाइज द वाटर, कहता है देखो हम फ़र्ज़ करते हैं कि अच्छा, कहता है हेयर लाइज द वाटर गुड, कहता है देखो यहाँ पर पानी पड़ा है ठीक है, हेयर स्टैंड्स द मैन, यहाँ पर आदमी खड़ा है गुड ठीक है,
इफ़ द मैन गो टू द टू दिस वाटर, कहता है अगर जो आदमी है वो खुद पानी के पास जाता है एंड ड्रॉन हिमसेल्फ, और अपने आप को डुबो लेता है, मतलब छलांग मार देता है उसके अंदर, इट इज़, इसका मतलब है विल ही, कि इसमें उसकी मर्जी थी, निल ही, या फिर उसकी मर्जी नहीं भी थी, मतलब इसका मतलब है कि उसकी मर्जी थी भी और नहीं भी, ही गोज, वो गया, मार्क यू दैट, क्या तुमने देखा वो खुद गया चल के, कहता है मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मैंने कहा है कि वो खुद गया चल के पानी के पास, बट लेकिन इफ़ द वाटर कम टू हिम, लेकिन अगर जो पानी है ना वो खुद उसके पास चल कर आता, एंड और ड्रॉन हिम, और उसे आकर डुबो देता, ऑब्वियसली जो कि पॉसिबल नहीं था, ही ड्रॉन्स नॉट हिमसेल्फ, तो इसका मतलब ये होना था कि उसने खुद को नहीं डुबोया बल्कि पानी ने उसको डुबोया, मतलब उसने खुदकुशी नहीं की, आर्गल, देयरफॉर, इसलिए ही दैट इज़ नॉट गिल्टी ऑफ हिज ओन डेथ, कहता है इसीलिए ये जो लड़की है ना ये अपने ही कत्ल की मुजरिम नहीं है, शॉर्टन्स नॉट हिज ओन लाइफ, और इसने अपनी मतलब जान नहीं ली। सेकेंड वाला कहता है बट इज दिस लॉ, मतलब क्या ये कानूनी तौर पर ठीक है, या क्या क्या ये कानून है, या क्या कानून इसकी क्या इजाज़त देता है। फर्स्ट वाला कहता है कि ए मैरी इज इट, हाँ ऐसा ही है, क्रॉनर्स क्वेस्ट लॉ, कहता है जो छानबीन करने वाला अफसर था ना उसके कानून के मुताबिक तो ये बिल्कुल ठीक है और इस चीज़ की इजाज़त भी है। सेकंड क्लाउन कहता है विल यू हैव द ट्रुथ ऑन इट, कहता है क्या तुम मतलब इसका जो सच है वो जानना चाहते हो। If this had not been a gentlewoman, she should have been buried out of Christian burial. कहता है जो इसके हालात है ना, जो इस औरत ने काम किया है, कहता है अगर ये किसी शाही ख़ानदान की औरत ना होती ना, किसी अमीर घराने की औरत ना होती, तो इसको कभी भी ईसाइयों के मुताबिक दफनाया ना जाता, मतलब ईसाइयों की तरह दफनाया ना जाता इसको। पहले वाला कहता है Why there those says, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, एंड द मोर पिटी दैट ग्रेट फोक शुड हैव कॉन्टिनेंस इन दिस वर्ल्ड टू ड्रॉन और हैंग themselves मोर देन देयर इवन क्रिश्चियंस, कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और ये बात भी सच है कि एंड द मोर पिटी, और ये बहुत ही अफसोस की बात है, दैट ग्रेट फोक, मतलब अमीर लोग, शुड हैव कॉन्टिनेंस, मतलब अमीर लोगों को इस बात की इजाज़त होती है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू ड्रॉन और हैंग themselves, कि वो अपने आप को मतलब डुबो लें या फांसी ले लें, मोर देन देयर इवन क्रिश्चियंस, आम जो ईसाई लोग होते हैं उन लोगों से ज़्यादा, कहता है ये बहुत अफसोस की बात है, या बहुत ही मतलब अफसोस की बात है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, जो अमीर ईसाई होते हैं, उन लोगों को इस दुनिया में डूबने और फांसी लगने की ज़्यादा इजाज़त होती है बजाय जो आम क्रिश्चियन लोग होते हैं, मतलब उनके उन लोगों के अलावा इनको ज़्यादा छूट मिली होती है, या इनको इनका ज़्यादा हक होता है इस चीज़ पर। कम माई स्पेड, कहता है इधर दो मेरा फावड़ा, इधर दो, स्पेड कहते हैं वो जिससे मिट्टी खोदते हैं ना, ग्रेव डिगर, तो उसको कहता है कम माई स्पेड, मेरा फावड़ा इधर दो। देर इज़ नो एंशंट जेंटलमैन, कहता है यहाँ पर कोई भी पुराना, कोई भी ना पुराना कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं है, बट गार्डनर्स, सिवाय जो माली होते हैं, टीचर्स, खोदने वाले, एंड ग्रेव मेकर्स, और कब्र खोदने वाले, दे होल्ड अप एडम्स प्रोफेशन, मतलब वो कहता है कि ये जो सारे लोग होते हैं ना, माली जो होता है, या खोदने वाला, या कब्रें खोदने वाला जो होता है, ये सब ना एडम, मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी कि जो पहले इंसान थे दुनिया पर, उनका मतलब जो पेशा है ना उसको अपनाए हुए हैं। यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि वो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, ज़मीन पर आए थे, तो ज़मीन पर आकर उनको मतलब अपने ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले खोदना पड़ा था, मतलब खोद कर चीज़ें उगानी पड़ी, तो सबसे पहला जो उनका काम था, प्रोफेशन था, वो खोदना ही था। तो कहता जो सबसे पुराने जो आदमी है ना वो गार्डनर्स ही हैं, मतलब माली हैं, खोदने वाले हैं और कब्रें खोदने वाले हैं, जिन्होंने आदम का पेशा अपनाया हुआ है। सेकंड क्लाउन कहता है वाज ही अ जेंटलमैन, मतलब कहता है कि जो एडम था, मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, क्या वो अमीर थे, मतलब जेंटलमैन थे, क्या अमीर थे। फर्स्ट क्लाउन कहता है ए वाज द फर्स्ट दैट एवर बोर आर्म्स, कहता है वो पहले इंसान थे जिनके हाथ थे, मतलब जिनके पास हाथ थे। सेकंड कहता है, सेकंड क्लाउन कहता है व्हाई ही हैड नन, कहता है तुम कैसे कह सकते हो, कहता है मुझे तो लगता है उनके पास नहीं थे हाथ। फर्स्ट क्लाउन कहता है व्हाट, क्या आर्ट अ हैदन, क्या तुम पागल हो, हाउ डोज टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर यानी पे बाइबल, कहता है तुम कैसे इंसान हो जिसको बाइबल की समझ नहीं आती। द स्क्रिप्चर सेज, बाइबल कहती है कि एडम डिग्ड, कुड ही डिग विदाउट आर्म्स, मतलब जो इंजील है, बाइबल है, वो कहती है कि आदम ने खोदा, मतलब चीज़ें खोदी, तो क्या कोई इंसान हाथों के बगैर कुछ खोद सकता है, कहता पागल हो तुम। आई विल पुट अनदर क्वेश्चन टू दी, मैं तुमसे एक और सवाल करता हूँ,
मतलब तुम्हारे आगे एक और सवाल रखता हूँ, इफ़ दो आंसर्स मी नॉट टू द पर्पस कन्फेस दाई सेल्फ, कहता अगर तुमने मुझे मेरे सवाल का उसके मुताबिक जवाब ना दिया तो मान जाना कि तुम पागल हो। मतलब अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर गया, यहाँ पे ऊपर ये जो लाइन में है ना, व्हाट आर आर्ट अ हेदन, यहाँ पे जो हेदन का वर्ड है ना, इसका मतलब है मतलब काफिर। वैसे काफिर कहते हैं मतलब जो उनके मज़हब का ना हो, यानी कि नॉन क्रिश्चियन। कहता है क्या तुम ईसाई नहीं हो, यहाँ पे ये मतलब था, सॉरी ये मैं मिस्टेक कर गया। तो अच्छा, सेकंड क्लाउन कहता है गो टू, कहता है चलो पूछो सवाल पूछो। फर्स्ट क्लाउन कहता है व्हाट इज़ ही दैट बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर देन आइदर द मैसन द शिपराइट और द कारपेंटर, कहता है वो कौन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत चीज़ें बनाता है, मतलब किसी मजदूर, किसी कश्ती बनाने वाले या किसी लकड़ी का काम करने वाले से ज़्यादा मजबूत चीज़ें बनाता है, वो कौन है। अच्छा, सेकंड क्लाउन कहता है द गैलोज मेकर, गैलोज मेकर मतलब जो फांसी का फंदा बनाता है। कहता है जो बंदा फांसी का फंदा बनाता है ना, वो होता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ें बनाता है। कहता है फार दैट फ्रेम आउट लिव्स अ थाउजेंड टीनर्स, क्योंकि जो फांसी का फंदा होता है ना, वो हज़ारों आदमियों की, मतलब टीनर्स यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, अमीर लोग होते हैं। कहता है वो फांसी का फंदा बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की जानें ले चुका होता है, उससे बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जो जिनको सज़ा मिलती है, इसलिए वही सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। फर्स्ट क्लाउन कहता है आई लाइक दाई विट वेल, मतलब मुझे, मैं तुम्हारी अकल को सलाम भेजता हूँ, मतलब तुमने सही जवाब दिया एक हद तक, ठीक था, इन गुड फेथ, तो अपनी अकल के हिसाब से तुमने ठीक जवाब दिया। द गैलोज डस वेल, जो मतलब जो होता है ना फांसी का फंदा, वो तो ठीक काम करता है, ये भी ठीक जवाब है एक तरह से इसका, बट लेकिन हाउ डज़ इट वेल, लेकिन ये कैसे ठीक हो सकता है, इट डज़ वेल टू दोज दैट डू इल, कहता है ये सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक होता है या उन लोगों के लिए ठीक काम करता है जो कि गुनाहगार होते हैं, क्योंकि ये सज़ा देने के लिए होता है ना, और गुनाहगारों को सज़ा देता है। नाउ दो डोस्ट इल टू से द गैलोज इज़ बिल्ट स्ट्रॉन्गर देन द चर्च, कहता है अब वो लोग जो कि मतलब डोस्ट इल, जो मतलब गुनाहगार होते हैं, कहता है अगर तुम ये बात करते हो ना कि जो फांसी का फंदा है ये वो सबसे मजबूत चीज़ है, तो वो जो गुनाहगार लोग हैं ना, वो भला क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि ये जो फांसी का फंदा है ये तो फिर तुम्हारे चर्च से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब तुम्हारी जो गिरजा है जहाँ पर तुम इबादत करते हो, तुम्हारी इबादतगाह से भी ज़्यादा मजबूत है। तो कहता है ये कोई सही जवाब नहीं है, और गल देयर फॉर द गैलो मे नॉट डू वेल दी, कहता है इसलिए जो फांसी का फंदा है ना, ये मेरे जवाब सवाल का सही जवाब नहीं है। टू इट अगेन कम, कहता है दोबारा से जवाब दो। अच्छा, सेकंड कहता है हु बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर देन अ मैंसन अ शिपराइट और अ कारपेंटर, मतलब अपने आप से सवाल पूछ के कह रहा है कि उसके सवाल को दोहरा रहा है। कहता है वो कौन सी चीज़ है जो मतलब एक मजदूर या एक कश्ती बनाने वाले या एक लकड़ी का काम करने वाले से भी ज़्यादा मजबूत चीज़ बनाता है, वो कौन हो सकता है। फर्स्ट क्लाम कहता है ए टेल मी दैट, कहता है हाँ हाँ यही बताओ मुझे, इसका जवाब दो, एंड अनयोक, और अपना काम पूरा करो, जो मतलब जवाब दो पहले मुझे, जवाब देने के बाद जो काम रहता है वो पूरा करो। सेकंड क्लाउन कहता है मैरी नाउ आई कैन टेल, कहता है हाँ अब मैं बता सकता हूँ। पहले वाला कहता है टू इट, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जवाब बताओ मुझे। सेकंड कहता है मैस आई कैन नॉट टेल, कहता है नहीं मुझे भूल गया, मैं नहीं बता सकता। अच्छा जी, उसी टाइम हेमलेट और होरेशियो आ गए उसी जगह पर, उन दोनों के पास। फर्स्ट क्लाउन कहता है कगल thy brains no more about it, कहता है अपने दिमाग पर इस बारे में ज़्यादा ज़ोर ना दो, मतलब इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए अपने दिमाग पर ज़ोर ना दो। फॉर योर डल एज विल नॉट मैंड हीज पेस विद बीटिंग, कहता है तुम अपने दिमाग पर मतलब ज़ोर देकर अपना ये जो सुस्त दिमाग है इसको तेज़ नहीं कर सकते, मतलब जवाब नहीं ढूंढ सकते। एंड और वेन यू आर आस्क दिस क्वेश्चन नेक्स्ट, कहता है अगली बार अगर कोई तुमसे ये सवाल पूछे ना, से मतलब उसे कह देना अ ग्रेव मेकर, जो कब्रें बनाता है ना वही सबसे ज़्यादा मतलब एक बंदा होता है जो सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ें बनाता है, एक मजदूर और एक कश्ती बनाने वाले और एक मतलब लकड़ी का काम करने वाले आदमी से भी ज़्यादा मजबूत चीज़ें हमेशा ग्रेव मेकर मतलब कब्रें खोदने वाला बनाता है। द हाउसेज दैट ही मेक्स लास्ट टिल डूम्सडे, बड़ी कमाल की लाइन है ये वाली। कहता है वो घर जो एक कब्रें खोदने वाला बनाता है, यानी कि एक कब्र जो कब्र खोदने वाला बनाता है ना, वो क़यामत के दिन तक रहती है, मतलब वो ऐसा घर होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा तक रहेगा जब तक क़यामत नहीं आ जाती। गो गेट दी टू योगन,
योगर मतलब एक जगह का नाम है, कहता है उस जगह पर जाओ, फैच मी आ स्टूप ऑफ लीक्वर, मुझे शराब का एक गिलास या एक बोतल ला कर दो मुझे, मतलब मुझे शराब ला कर दो मुझे। अच्छा, दूसरा जो क्लाउन है ना वो चला जाता है शराब लेने के लिए। अब पहला जो क्लाउन है वो वहाँ पर रह गया है, अब वो कब्र भी खोद रहा है और साथ साथ गाना भी गा रहा है। तो गाना वो ये होता है, वो कहता है इन यूथ जब मैं जवान था, व्हेन आई डिड लव, जब मैं जवान था, जब मैं मतलब जब मैंने प्यार किया था, मी थ्रू इट वॉज़ वेरी स्वीट, मैं सोचता था कि ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। टू कंट्रैक्ट और ये मुझे बहुत ही खुशी देता है। ओ द टाइम फार ए माई बिहोव, मतलब ये टू कंट्रैक्ट मतलब ये मुझे बहुत ही खुशी देता है और अब मेरे काम करने का वक्त है। ओ मी थॉट देयर वॉज नथिंग मीट, मतलब मैं सोचता था कि इसके अलावा मुझे कोई भी चीज़ सही नहीं मिल सकती। अच्छा, ये ना एक पोइम है, मतलब एक सॉन्ग है, यहाँ पे इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, जो कि 1557 में मतलब पब्लिश हुआ था, तो उसी का सॉन्ग है जो यूज़ किया है शेक्सपियर ने अपने इस प्ले हैमलेट के अंदर। उसके बाद हैमलेट कहता है, हैमलेट की लाइन है, हैमलेट कहता है हैज़ दिस फेलो नो फीलिंग ऑफ दिस बिजनेस दैट ही सिंग्स एट ग्रेव मेकिंग, कहता है कि ये जो आदमी है इसका कोई एहसास नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जज्बात नहीं है इसके कि ये कब्र खोद रहा है और साथ साथ गाना गा रहा है। अच्छा, होरेशियो उसको कहता है कस्टम हैथ मेड इट हिम इन अ प्रॉपर्टी ऑफ इजीनेस, कहता है ये जो इसका काम है ना कि जो चूँकि ये रोज़मर्रा का काम है हमारे लिए, तो ये नई बात है ना कब्र देखना, किसी को दफनाना, लेकिन इसके लिए आम बात है क्योंकि ये रोज़ कब्रें खोदता है, तो इस काम ने इसे इतना मतलब इजी बना दिया है, इसके लिए इतना आसान कर दिया है कि अब इसको गाना गाना मुश्किल नहीं लगता, मतलब इसको ये चीज़ अजीब नहीं लगती कि ये कब्रें खोदते हुए गाना गा रहा है। हैमलेट कहता है टिस इवन सो, कहता है अगर ऐसी बात है द हैंड ऑफ लिटिल एम्प्लॉयमेंट हैथ द डेंटर सेंस, कहता है अगर ऐसी बात है तो वो लोग जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करते उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा जज्बात होते होंगे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होते होंगे, क्योंकि होरेशियो ने ऊपर कहा है ना कि ये काम करता है इसलिए इसके जज्बात नहीं है इस मौके पर। हैमलेट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जो लोग काम बिल्कुल भी नहीं करते वो तो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते होंगे। अच्छा, वो जो क्लाउन है ना, मतलब जो कब्र खोद रहा है, उसका गाना अभी भी चल रहा है, वो गाना आगे यहाँ पे कंटिन्यू होता है, कहता है बट एज, लेकिन जो उम्र है ना विद स्टीलिंग स्टेप्स, मतलब बहुत ही तेजी के साथ हैथ क्लॉड मी इन हिज क्लच, उसने मुझे अपने जबड़ों में पकड़ लिया है, एंड हैथ शिप्ड मी इन टिल द लैंड, और मुझे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया है, यानी मुझे जवानी से बुढ़ापे में ला दिया है, एज इफ आई हैड नेवर बीन सच, जो कि मैं पहले कभी भी नहीं था। कहता है मतलब उम्र ने मुझे इतनी तेज़ी, मेरी उम्र बढ़ी है कि मुझे उसने मतलब अपनी जवानी से बुढ़ापे में ला दिया है जो कि मैं कभी भी नहीं था। अच्छा, थ्रोज अप अ स्कल, अच्छा वो सफाई कर रहा है, गाना गा रहा है, कब्र मतलब ना बना रहा है, साथ ही साथ ना वो खोपड़ी रास्ते में आती है, वो उठा के उसको फेंक देता है, साइड पे फेंक देता है। हैमलेट क्या करता है, हैमलेट दैट स्कल हैड अ टंग इन इट, हैमलेट ना उसको खोपड़ी को उठाता है और उसको उठा के बातें करना शुरू कर देता है, कहता है कि हैड अ टंग इन इट, मतलब ये जो खोपड़ी है ना, ये जो सर है, इसमें कभी जुबान हुआ करती थी, एंड कुड सिंग वंस, और ये भी कभी गाया करता था, मतलब इसमें भी जुबान हुआ करती थी, ये भी कभी गाना गुनगुनाया करता था। हाउ द नेव जोल्स इट टू द ग्राउंड, मतलब ये जो बेवकूफ़ है, इसको किस तरह से मतलब इस खोपड़ी को ज़मीन पर फेंक रहा है, एज इफ इट वर केन्स जॉब ऑन दैट डिड द फर्स्ट मर्डर। अच्छा, केन्स, यहाँ पे केन्स कौन है, यहाँ पे एक रेफरेंस मिल रहा है हमें, वही पीछे जाकर अगर देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो बेटा, दो बेटे थे ना, तो उन्होंने एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया था एक औरत के लिए, तो कहता है केन वही भाई था जिसने कत्ल किया था, जो कहता है ये जो ग्रेव डिगर है, कब्र खोदने वाला, ये तो इस खोपड़ी को ऐसे फेंक रहा है जैसे ये केन की मतलब खोपड़ी हो, क्रेन का जबड़ा हो, मतलब उस आदमी का जबड़ा हो जिसने अपने भाई को कत्ल किया था औरत के लिए, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, कहता है कि ये ऐसे उसको फेंक रहा है जैसे उसने कत्ल किया था अपने भाई का। दिस माइट बी द पेट ऑफ अ पॉलिटिशियन, कहता है हो सकता है ये किसी सियासतदान का सर हो, विच दिस एज नाउ ऑफर ओवर ऑफिसेस, मतलब जिसके ऊपर अब इस बेवकूफ़ को बर्तरी हासिल है, मतलब जो कि अब मतलब ये हो सकता है किसी सियासतदान का सर हो जो कि अब इस बेवकूफ़ से, यानी कि ये जो कब्र खोद रहा है, इससे दर्जे में कम है, मतलब अब ये बेवकूफ़ भी उससे ज़्यादा है, ऊपर है,
मतलब रैंक कर रहा है उसके ऊपर, उस पॉलिटिशियन के ऊपर, क्योंकि अब वो मर चुका है, वो कौन सा कुछ कर सकता है। वन दैट वुड सर्कमवेंट गॉड माइट इट नॉट, कहता है हो सकता है ये किसी सियासतदान का सर हो जो कि कभी खुदा को भी अपनी चालाकियों से मतलब हराने की कोशिश करता होगा, और अब इस बेवकूफ़ को उस सियासतदान पर बरतरी हासिल है। माइट इट नॉट, कहता है ऐसा है कि नहीं, ऋषि से पूछता है। ऋषि कहता है इट माइट माई लॉर्ड, हो सकता है, ऐसा हो सकता है मेरे आका। हैमलेट कहता है और या फिर ऑफ अ कॉर्टियर, या फिर किसी दरबारी का सर हो सकता है, मतलब किसी दरबारी की खोपड़ी हो सकती है जो दरबार में काम नहीं करते, बादशाह के दरबार में। विच कुड से, जो कि कहता होगा गुड मोरो स्वीट लॉर्ड, सुबह बखैर प्यारे आका, हाउ डोस दो गुड लॉर्ड, आप कैसे हैं प्यारे आका। दिस माइट बी माई लॉर्ड सच अ वन, हो सकता है ये मेरा ही कोई मतलब दरबारी हो। That praised my lord such a one's horse, जो कि बिल्कुल इसी तरह से मतलब अपने आका की तारीफ़ करता हो जैसे कि such a one's horse, जो कि जो जैसा कि कोई एक बंदा किसी के घोड़े की तारीफ करता है। When he meant to beg it, जब उसे किसी से घोड़ा उधार मांगना होता है, कहता है ये वही दरबारी हो सकता है जो कि अपने बादशाह की किसी मुनाफे के लिए, किसी नफ़े के लिए, मतलब किसी प्रॉफिट के लिए अपने बादशाह की तारीफ करता है, बिल्कुल उसी तरह से, उसी आदमी की तरह जो कि किसी का घोड़ा उधार लेने के लिए उसके घोड़े की तारीफ करता है। माइट इट नॉट, कहता है ऐसा है कि नहीं। ऋषि कहता है ए माई लॉर्ड, हो सकता है ऐसा मेरे आका। हम लोग कहता है वाई इवन सो एंड नाउ माई लेडी वॉर्म्स, कहता है अब ये जो खोपड़ी है ना, ये लेडी वॉर्म्स मतलब कीड़ों की मिल्कियत है, मतलब कीड़ों के पास है, वो उनकी हुक्मरानी है इसके ऊपर। चेपलेस मतलब जबड़े के बगैर है, एंड नॉक्ड अबाउट द मेजर्ड विद अ सेक्सटन्स स्पेड, कहता है ये जो खोपड़ी है ना, ये कीड़ों की मिल्कियत है, जबड़े के बगैर है, और एक खबरें खोदने वाले के स्पेड यानी कि उसके फावड़े के साथ इसके सर पर मारा गया है, मतलब इसके सर पर एक खबरें खोदने वाले के फावड़े के साथ इसके मारा गया है जो कि जबड़े के बगैर खोपड़ी है। हेयर्स फाइन रेवोल्यूशन वी हैड द ट्रिक टू सी इट, कहता है अगर हम देखें ना, मतलब अगर हमारे पास कुदरत की चलाकियां देखने की आंखें हों, मतलब अगर हम कुदरत की जो चलाकियां हैं ना, जिस तरह से वो खेलती है अपना खेल, तो अगर वो देखने की हमारे पास ताकत है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा घुमा देने वाली बात है कुदरत की। डिड दीज बोन्स कॉस्ट नो मोर द ब्रीडिंग बट टू प्ले एट लॉगर्ट्स विद एम, कहता है कि ये जो बोन्स मतलब ये जो हड्डियां हैं ना, ये अब बढ़ती नहीं है, मतलब इनमें कोई अब ब्रीडिंग नहीं होती, मतलब इनमें कोई बढ़ने का अमल नहीं होता, इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती, इनका जो सिर्फ काम है ना वो यही हो सकता है, मतलब अब जो है ना इनसे क्या काम लिया जा सकता है, अब इनसे सिर्फ यही काम लिया जा सकता है कि इनसे वो खेल खेला जा सकता है। लॉगर्ट्स खेल वो ऐसा होता है कि जिसके अंदर एक बॉल सी होती है, उसको ऐसे नीचे फेंकते हैं और आगे वो स्टिक्स पड़ी होती हैं 4-5, तो उनके अंदर जब वो जाके लगती है, अगर वो सारी स्टिक्स गिर जाएं तो आप विन हो जाते हैं, मतलब जीत जाते हैं, वो वाला खेल, अब मुझे नाम नहीं आता उसका। कहता है इससे सिर्फ वो खेल खेला जा सकता है, अगर आपको याद है उसका नाम तो कमेंट में बता देना। माइन एक टू थिंक ऑन इट, कहता है अब ये मुझे मतलब मेरी हड्डियों को इस बात ये सब सोचने पर मजबूर कर रही है, मतलब मुझे तकलीफ़ दे रही है कि मैं ये सब सोचूं, ये जो खोपड़ी है ना उसके बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट क्लोन कहता है, अच्छा उसका गाना अभी भी चल रहा है, उसका वो जो क्लाउन है ना उसका गाना अभी भी चल रहा है, कहता है अ पिक एक्स एंड अ स्पेड, कहता है एक खोदने वाला, एक फावड़ा फार एंड अ श्राउडिंग शीट, इस कफन के एक टुकड़े के लिए, मतलब एक फावड़े की ज़रूरत है इस कफन के टुकड़े के लिए। ओ अ पिट ऑफ क्ले फार टू बी मेड, मतलब मुट्ठी भर मिट्टी की भी ज़रूरत है जिसको लाना होगा, फार सच अ गेस्ट इज मीट, उस मेहमान के लिए जो कि यहाँ पर हमें मिलने के लिए आ रहा है, मतलब इस घर में आ रहा है, उस मेहमान के लिए एक मुट्ठी भर मिट्टी की भी ज़रूरत है। वो फिर से एक और खोपड़ी उठाकर फेंकता है, कब्र खोदते हुए एक और खोपड़ी निकलती है, उसको फिर से उठाकर फेंक देता है। हैमलेट उसको भी उठा लेता है। हैमलेट कहता है देयर्स अनदर, देखो एक और खोपड़ी यहाँ पर है। व्हाई मे नॉट दैट बी द स्कर्ल ऑफ अ लॉयर, कहता है हो सकता है ये किसी वकील की खोपड़ी हो, मतलब लॉयर जो होता है। वेयर बी हिज क्विडिटीज, कहता है उसके जो घुमाने वाले जो झूठे सबूत और दलाइल देकर जो सवाल करता था, मतलब घुमाने के लिए, अपने क्लाइंट को घुमाने के लिए जो सवाल करता था, तो वो सवाल अब कहाँ है। नाउ हिज क्विलिटीज, उसके जो मतलब झूठे जो दलाइल होते थे, सबूत होते थे जिनके ऊपर वो सच को झूठ बना देता था, वो कहाँ है। मतलब हिज केसेस, उसके जो मुकदमे होते थे, हिज टेनरीज
टेनरीज मतलब उसके जो उसके उसके पास जो ज़मीन होती थी एंड हिज ट्रिक्स और उसके जो मतलब जो डिसीटफुल टैक्टिक्स मतलब ऐसे धोखा देने वाली जो चलाकियाँ होती थी वो कहाँ पर हैं। वाई डज ही सफ़र दिस रूड नेव नाउ टू नॉक हिम अबाउट द स्कॉन्स विद अ डर्टी शॉवल। कहता है कि ये जो वकील है मतलब ये जो अब मर चुका है ये इस चीज़ को क्यों बर्दाश्त कर रहा है, मतलब ये वाला मंजर क्यों बर्दाश्त कर रहा है कि ये जो मतलब ये जो क्या कहते हैं ये जो कब्रें खोदने वाला है ये अपने फावड़े के साथ इसके सर के ऊपर मार रहा है, ये वकील अब इस चीज़ को क्यों बर्दाश्त कर रहा है। एंड विल नॉट लेट हिम ऑफ हिज एक्शन ऑफ बैटरी, और इसके ऊपर अब कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। कहता जब ये ज़िंदा था तब तो ये बड़ा कानून वगैरह मतलब लोगों को बताता था, चलाकियाँ करता था, धोखे से ज़मीन लेता था वगैरह वगैरह, ये सारे काम करता था। कहता अब ये क्यों नहीं कर रहा, जब वो कब्र खोदने वाला इसके सर के ऊपर मार रहा है फावड़ा, तो अब ये क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रहा। अच्छा कहता है हम हो सकता है दिस फेलो माइट बी इन टाइम अ ग्रेट बायर ऑफ लैंड। कहता है हो सकता है कि ये जो मतलब ये जो आदमी है ये जो लायर है मतलब ये जो वकील है ये अपने अपने दौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें खरीदता हो विथ हिज स्टैचूज, मतलब अपने मजबूत जो आर्गुमेंट मतलब दलाइल देकर हिज रिकॉग्नाइजेंसेस मतलब अपनी सिफारिशें वगैरह लगाकर, हिज फाइंस अपने जुर्माने लगाकर, हिज डबल वाउचर्स और अपने दुगना वजीफा लगाकर, हिज रिकवरीज और लोगों से वसूलियां करके, मतलब हो सकता है ये सारे काम ये अपने दौर के अंदर करता होगा। फिर कहता है इज दिस क्या ये है द फाइन ऑफ हिज फाइन। कहता है क्या ये इसी के जुर्माने का जुर्माना है, मतलब ये जो इसको सज़ा मिल रही है कि एक कब्रें खोदने वाला इसको मार रहा है सर के ऊपर। कहता है क्या ये चीज़ इसी के उस जुर्माने का जुर्माना है जो ये लोगों से लिया करता था, एंड द रिकवरी ऑफ हिज रिकवरीज या फिर जो ये लोगों से वसूलियाँ किया करता था, पैसे लिया करता था, क्या ये उसी चीज़ के पैसे हैं। टू हैव दिस फाइन पेड फुल ऑफ फाइन डर्ट, ताकि इसका जो मतलब जो सर है दिमाग है जो जिसको ये अपने ज़िंदगी के अंदर मतलब पैसे दौलत से भरता रहा, ताकि इसके इस दिमाग को मतलब इसके इस पेट को या सर को कब्र की मिट्टी से भर दिया जाए, क्या ये इसीलिए है। कहता है विल हिज वाउचर्स वाउच हिम नो मोर ऑफ हिज परचेजेस। कहता है जो इसके वाउचर्स हैं मतलब जो इसके सर्टिफिकेट्स हैं जिन पर लिखा हुआ है कि इसके पास इतनी ज़मीन है इतनी ज़मीन है, कहता है अब वो इसको क्या कोई ज़मीन ख़रीदने के काबिल नहीं रखते, मतलब अब जिस जो इस जिसके सर्टिफिकेट के ऊपर मतलब ये लिखा हुआ है कि ये ज़मीन इसकी है, क्या ये वो ज़मीन इस ज़मीन का हकदार भी है कि नहीं। एंड डबल वंस टू, कहता है अगर ये चीज़ उससे भी डबल हो जाए मतलब वो कागजात डबल हो जाएँ वो ज़मीनें डबल हो जाएँ, क्या ये फिर भी उनको ख़रीद सकता है, मतलब ये उनका मालिक बन सकता है। दैन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पेयर ऑफ इंडेंट। कहता है कि इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं जो वाउचर्स हैं जो कागजात हैं अगर वो इसके अमाल के बराबर हो जाएं मतलब इसके अमाल के बराबर हो जाएं यानी कि दुगना हो जाएं, तो क्या फिर भी ये वो ज़मीन ख़रीद सकता है जो कि इसकी ज़िंदगी में मौजूद थी। द वेरी कन्वेंस ऑफ हिज लैंड्स विड हार्डली लाई इन दिस बॉक्स एंड मस्ट द इनहेरिटेंस हिमसेल्फ हैव नो मोर है। कहता है जो इसके जो अमाल है ना मतलब जो कन्वीनियंस यहाँ पे कहते हैं कि अमाल ऑफ हिज लैंड्स, या फिर इसका एक और मतलब ये है कि वो जो इसके जो ज़मीन थी ना जो इसकी जिसका वो मालिक था उसके जो कागजात थे मतलब जो कानूनी कागजात थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये ज़मीन इसकी है, कहता है वो जो कागजात थे ना विल हार्डली लाई इन दिस बॉक्स। कहता है वो कागजात भी शायद मुश्किल हो कि इसकी कब्र के अंदर फिट हो सकें। कहता है वो ज़मीन तो बड़ी दूर की बात है, मतलब जिस ज़मीन का ये मालिक था ये अपने साथ नहीं ले जा सकता उसको, मतलब वो तो बड़ी दूर की बात है, उसके जो सिर्फ कागजात है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसका मालिक है, वो कागजात भी शायद बड़ी मुश्किल के साथ ना इसके इस मतलब ताबूत के अंदर इसकी इस कब्र के अंदर फिट आएंगे। तो कहता है ये औकात है बंदे की। एंड मस्ट द इनहेरिटर हिमसेल्फ हैव नो मोर हैव, और ये अब उसका मालिक भी नहीं है, मतलब ये क्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि ये वो सारी मेरी ज़मीन है क्योंकि मर चुका है ये। हॉरेशियो आगे से कहता है नॉट अ जॉट मोर माई लॉर्ड। कहता है मेरे आका अब आप कोई बात नहीं करेंगे। और हैमलेट कहता है इज नॉट पार्चमेंट मेड ऑफ शीप स्किन्स। कहता है हॉरेशियो ये जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो मतलब कि मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्या ये किसी मतलब जानवर की या भेड़ की खाल से बना हुआ कोई कानूनी कागज़ है मतलब जिसके ऊपर लिखा है कि मैं कोई बात नहीं करूँगा। हॉरेशियो आगे से कहता है ए माय लॉर्ड एंड ऑफ काफ स्किन्स। कहता है जी हाँ मेरे आका ये जानवर की खाल से बना हुआ कागज़ भी है और बछड़े की खाल से बना हुआ कागज़ भी है जिसके ऊपर लिखा है कि आप अब कोई और बात नहीं करेंगे। मतलब तो हैमलेट कहता है
दे आर शीप एंड कॉव्स विच सीक आउट अश्योरेंस इन दैट। ये बड़ी कमाल की बात है, अगर आप डीपली इसको समझे ना, बड़ी कमाल की बात है। वो कहता है वो लोग जो कि इस दुनिया के अंदर जिंदा रहते हुए कानूनी जो कागज़ होते हैं ना, मतलब उन्होंने कोई ज़मीन ली, कोई गाड़ी ली, कोई घर लिया, कोई भी एक ऐसी चीज़ ली, उसके बाद एक उनको स्टाम्प पेपर निकल के आया बाहर कि जिसके ऊपर लिखा है कि भी आप इसके मालिक हैं, मतलब कानूनी कागज़ निकल के आया बाहर। कहता जो लोग इस चीज़ को मानते हैं ना, उस कागज़ को मानते हैं, मतलब उस कागज़ को मानते हैं कि हाँ भी ये कागज़ अब आ गया है, अब इस चीज़ का मालिक मैं हूँ। कहता वो खुद शीप्स एंड काव्स, वो खुद भेड़ हैं और ऊँट हैं, मतलब वो खुद भेड़ और ऊँट की तरह हैं जो लोग इन कागज़ों को मानते हैं। आई विल स्पीक टू दिस फेलो, मैं इस आदमी से बात करता हूँ, ये जो कब्र खोद रहा है ना, कहता मैं इससे बात करता हूँ। फिर उसको कहता है हूज ग्रेव्स दिस सर, कहता है जनाब ये कब्र किसकी है, मतलब किसकी कब्र आप खोद रहे हैं। फर्स्ट क्लाउन कहता है माइन सर, मेरी है जनाब। ये कह के फिर से गाना गाने लग गया, ओ अ पिट ऑफ क्ले फॉर टू बी मेड फॉर सच अ गेस्ट इज मीट, मतलब वही बात करने लगा कि इस जो ये जो मेहमान यहाँ पर आने वाला है, इसके लिए एक मुट्ठी भर मिट्टी की ज़रूरत है। हैमलेट कहता है आई थिंक इट बी दाइन इनडीड फॉर द लास्ट इन इट, कहता है कि मुझे लगता है कि ये कब्र आपकी है। Indeed, क्योंकि फॉर दो लाइस्ट इन इट, क्योंकि आप इसके अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, यानी कि वो उसके अंदर खड़ा निकाल रहा है ना, मट्टी निकाल रहा है, कब्र बना रहा है। कहता आप इसके अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ये कब्र आपकी है। फर्स्ट क्लाउन कहता है यू लाई आउट ऑन इट सर, मतलब आप इसके बाहर रहकर झूठ बोल रहे हैं, एंड देयर फॉर इट इज़ नॉट योर्स, कहता है आप इसके बाहर रहकर झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ये आपकी कब्र नहीं है। फॉर माई पार्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। I do not lie in it, कहता है मैं इसके अंदर खड़ा होकर झूठ नहीं बोल रहा। And yet it is mine, इसलिए ये मेरी कब्र है। अच्छा मेरी कब्र से मुराद भला क्या है, वो कहता है कि मैं खोद रहा हूँ इसको, मतलब मैं इसको बना रहा हूँ इस कब्र को, इसलिए ये मेरी कब्र है। हैमलेट कहता है दो दोस्त lie in it, कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो इसके अंदर खड़े होकर, टू बी इन इट एंड से इट इज़ thine, तुम इसके अंदर खड़े हो और कह रहे हो कि ये तुम्हारी कब्र है। दिस इट इज़ फॉर द डेड, कहता है ये कब्र जो है ये मुर्दा के लिए है, मरे हुए लोगों के लिए है, नॉट फॉर द क्विक, मतलब जिंदा लोगों के लिए नहीं है। देयर फॉर दो लाइस्ट, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। फर्स्ट क्लाउन कहता है इट इज़ अ क्विक लाई सर, ये बहुत अच्छा झूठ बोला आपने। ट्विल अवे अगेन फॉर मी टू यू, अच्छा यहाँ पे बड़ी कमाल की बात की है, कहता है जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये कब्र मुर्दा के लिए है, जिंदा के लिए नहीं है, कहता है ये चीज़ बड़ी आराम के साथ, मतलब बहुत जल्दी के साथ आपसे मेरी तरफ आ जाए, मतलब मेरी तरफ से आपकी तरफ आ जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी कब्र है, मतलब मैं इसके अंदर जाऊँगा, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि आपकी भी कब्र बनेगी, आप भी इस चीज़ के अंदर जाएंगे, मतलब ये सिचुएशन आपके ऊपर भी आएगी, ये हालात आपके ऊपर भी आएंगे। यहाँ पर वो ये कह रहा है, हैमलेट आगे से कहता है वट मैन डोस्ट दो डिग इट फॉर, कहता किस आदमी के लिए ये कब्र खोद रहे हो तुम। क्लाउन कहता है फॉर नो मैन सर, मैं किसी आदमी के लिए कब्र नहीं खोद रहा। हैमलेट कहता है फॉर वट वुमेन देन, कहता है फिर किस औरत के लिए खोद रहे हो। क्लाउन कहता है फॉर नन नाइदर, मैं किसी औरत के लिए भी नहीं खोद रहा। हैमलेट कहता है हु इज़ टू बी बरीड इन इट, कहता फिर तुम इसको इसके अंदर किसको दफन करोगे। फर्स्ट क्लाउन कहता है वन दैट वॉज अ वुमेन सर बट रेस्ट हर सोल शी इज़ डेड, कहता है इसके अंदर उसको दफन किया जाएगा जो कि कभी औरत हुआ करती थी, लेकिन अब खुदा उसकी रूह को बख्शे, शी इज़ डेड, वो मर चुकी है। हैमलेट कहता है हाउ एब्सोल्यूट द नेव इज़, कहता है ये जो बेवकूफ़ है इसने कितनी कमाल की बात की है। वी मस्ट स्पीक बाय द गॉड, मतलब हमें सीधी सीधी हमेशा बात करनी चाहिए, और एक्विवोकेशन विल अनडू अस, कहता है हमें हमेशा सीधी सीधी बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्विवोकेशन होती है ना, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, डबल मीनिंग बात करना, वो हमें तबाह कर देगी। अनडू अस मतलब तबाह बर्बाद कर देगी। बाय द लॉर्ड होरेशो, कहता है मेरे आका होरेशो, दीज थ्री ईयर्स आई हैव टेकन नोट ऑफ इट, मतलब इन तीन सालों के अंदर मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका मुशाहिदा किया है, इसका जायज़ा लिया है, इसके नोट बनाए हैं। द एज इज़ ग्रोन सो पिक्ड दैट द टो ऑफ द पीजेंट कम्स सो नियर द हील ऑफ द कॉटियर ही गाल्स हिज काइब,
कहता है कि जो हालात है ना वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जो पीजेंट है ना, मतलब देहाती लोग हैं, वो एक दरबारी के, मतलब गॉल्स हिज काइब, वो एक दरबारी के इतने ज़्यादा करीब आ चुके हैं, एक दरबारी के पाँव के इतने ज़्यादा करीब आ चुके हैं कि ही गॉल्स हिज काइब, वो जो उसके पाँव के ऊपर जो मतलब एक निशान बना हुआ है ना, एक ज़ख्म बना हुआ है सर्दी की वजह से, उसको वो ना मतलब अपनी तरफ से ना, अपने अंगूठे से ना वो दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब ज़माना इतना बढ़ चुका है, यहाँ पे ये कह रहा है वो। फर्स्ट क्लाउन कहता है, ऑफ ऑल द डेज इन द ईयर आई केम टू दैट डे। अच्छा सॉरी, मैं ऊपर वाली लाइन भूल गया, इसी के अंदर हेमलेट की लाइन है। वो कहता है, हाउ लॉन्ग हैस्ट दो बीन अ ग्रेव मेकर, मतलब कितना अरसा हो गया कि तुम ये कब्रें बना रहे हो, मतलब कब्रें खोद रहे हो, इस काम को तुम्हें कितना अरसा हो गया। क्लाउन कहता है, ऑफ ऑल द डेज इन द ईयर आई केम टू दैट डे दैट आवर लॉस्ट किंग हेमलेट ओवरकेम फॉर्टिनब्रास। कहता है, जब हमारा जो जो मरहूम बादशाह थे ना, पहले वाले हेमलेट, मतलब हेमलेट का जो फादर था जो, तो उसके बात कर रहा है। कहता है, जो हमारे लास्ट किंग हेमलेट थे ना, उन्होंने जब नॉर्वे के किंग फॉर्टिनब्रास को हराया था, जब उनको शिकस्त दी थी, तो उस दिन से लेकर आज तक मैं ये काम कर रहा हूँ। हेमलेट कहता है, हाउ लॉन्ग इज़ दैट सिंस, ये कितना टाइम हो गया है, मतलब इस चीज़ को कितना टाइम हो गया है, या कितना अरसा हो गया है जब हेमलेट ने मतलब नॉर्वे के किंग को हराया था। क्लाउन कहता है, कैन नॉट यू टेल दैट, क्या तुम्हें नहीं पता, एवरी फूल कैन टेल दैट, पागल से पागल आदमी भी इस बात का जवाब दे देगा। इट वॉज द वेरी डे दैट यंग हेमलेट वॉज बॉर्न, ही दैट इज़ मैड एंड सेंट इन टू इंग्लैंड। कहता है, ये वही दिन था जब जो हमारा जो प्रिंस हेमलेट है ना, तो उसकी जब पैदाइश हुई थी, ये वही दिन था जो अब पागल हो चुका है और जिसको बरतानिया भेज दिया जा चुका है। हेमलेट कहता है, ए मैरी वाई वॉज इज सेंट इन टू इंग्लैंड। कहता, अच्छा, कहता क्या तुम्हें पता है कि उसको इंग्लैंड क्यों भेजा गया है। क्लाउन कहता है, वाई बिकॉज ही वॉज मैड, क्योंकि वो पागल था, ही शैल रिकवर हिज विट्स देयर, वहाँ जाकर वो शायद अपने होशो हवास में आ जाए, और इफ़ ही डू नॉट, अगर ऐसा ना हुआ, टिस नो ग्रेट मैटर देयर, तो फिर वहाँ पर जाना उसका कोई मायने नहीं रखता, मतलब कोई ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं है उसके वहाँ जाने की, इंग्लैंड जाने की, बरतानिया जाने की। हैमर कहता है, वाई, क्यों। फर्स्ट क्लाउन कहता है, ट विल नॉट बी सीन इन हिम देयर, देयर द मैन आर एज मैड एज ही। अच्छा, पहली लाइन है, ट विल नॉट बी सीन इन हिम देयर, कहता है क्योंकि, अच्छा ऊपर वाली लाइन में उसने कहा था, कहता है अगर बरतानिया जाकर भी हेमलेट ठीक ना हुआ ना, तो फिर उसका यहाँ पर रहने से भी हमें कोई मसला नहीं है, मतलब उसके बरतानिया जाने से तो कुछ होगा नहीं, उसका यहाँ रहने से भी हमें कोई मसला नहीं है। हेमलेट पूछता है, क्यों मसला नहीं है। अब क्लाउन उसका जवाब दे रहा है, वो कहता है, क्योंकि विल नॉट बी सीन इन हिम देयर, इसका मतलब है, कहता है जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, पहले से यहाँ पर रहते हैं, मतलब डेनमार्क के जो रहने वाले हैं, वो उसके पागलपन को नहीं देख सकते, मतलब यहाँ पर उसके पागलपन को नहीं देख सकते, दे आर द मैन आर एज मैड एज ही, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ना, वो भी हेमलेट की तरह पागल हैं, इसलिए वो उसके पागलपन को नहीं देख सकते। हेमलेट कहता है, हाउ केम ही मैड, वो पागल कैसे हुआ। फर्स्ट क्लाउन कहता है, वेरी स्ट्रेंजली, दे से, लोग कहते हैं बहुत अजीब तरीके के साथ वो पागल हुआ। हेमलेट कहता है, हाउ स्ट्रेंजली, कितने अजीब तरीके के साथ वो पागल हुआ। फर्स्ट क्लाउन कहता है, फेथ इवन विद लूजिंग हिज विट्स, कहता है वो अपने होशो हवास खो देने की वजह से पागल हो गया। हेमलेट कहता है, अपॉन व्हाट ग्राउंड, कहता है मतलब किस वजह से वो पागल हुआ, क्या वजह थी उसकी जिसकी वजह से पागल हुआ। फर्स्ट क्लाउन कहता है, वाई हेयर इन डेनमार्क, मतलब किस जगह वो, क्या हेमलेट पूछता है कि किस जगह पर पागल हुआ, तो क्लाउन कहता है कि डेनमार्क में रहते हुए वो पागल हुआ। आई हैव बीन सेक्सटन हेयर मैन एंड बॉय 30 ईयर्स, कहता है मैन एंड बॉय का मतलब है अपने चाइल्डहुड से, मतलब बचपन से, कहता है मैं पिछले 30 सालों से, यानी कि अपने बचपन से ही ये कब्रें खोदने वाला काम कर रहा हूँ। हेमलेट कहता है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन लाई इन द अर्थ एरे ही रूट, कहता है एक आदमी जो है वो जब उसको दफना दिया जाता है, तो दफनाने के बाद वो कितनी देर तक ज़मीन के अंदर रहता है, मतलब कितनी देर तक वो डिकम्पोज, कितना टाइम लगता है कि वो डिकम्पोज हो जाता है, ये यहाँ पर वो पूछ रहा है। क्लाउन कहता है, फेथ इफ़ ही बी नॉट रूटन बिफोर ही डाई, कहता है अगर तो ये बात है ना कि वो मरने से पहले ही मरा हुआ नहीं है, मतलब अंदर से मरा हुआ नहीं है, मतलब दुख वगैरह कोई है उसको, बीमार है, तो वो बंदे तो पहले ही कहता मरे हुए होते हैं, अगर वो पहले ही मरा हुआ नहीं है, एज़ वी हैव मैनी पोकी कॉर्सेज नाउअडेज़, कहता है जैसा कि आज के दिनों में हमें बहुत से चीचक की बीमारी वाले आदमी मिलते हैं, लाशें मिलती हैं जो कि पहले ही मरी हुई होती
होती हैं, मतलब पहले ही गली सड़ी होती हैं वो लाशें। तो कहता है वो अगर तो वह ऐसा नहीं है, दैट विल स्केयर होल्ड द लेइंग इट, जिनके जो निशान हैं वो बहुत देर तक उनको डराते रहते हैं, ही विल लॉस्ट यू सम 8 ईयर और 9 ईयर। कहता है तो फिर वो जो बंदा है ना जिसको दफनाया जाएगा, उसको तकरीबन 8 से 9 साल लगेंगे ख़त्म होने में, इस दुनिया से ख़त्म होने में। अ टेनर विल लॉस्ट यू 9 ईयर। कहता है एक जो चमड़े का काम करने वाला होगा ना, उसको 9 साल लगेंगे। हैमलेट कहता है वाई ही मोर देन अनदर। कहता है चमड़े का काम करने वाला वो भी उतना टाइम लेगा, मतलब उसको डिकम्पोज होने में क्यों उतना टाइम लगेगा, उसको फना होने में इतना वक्त क्यों लगेगा। क्लाउन कहता है वाई सर, क्योंकि जनाब हिज हाइड इज सो टेन विद हिज ट्रेड, उसका जो काम होता है ना उसने उसकी चमड़ी को इतना ज़्यादा सख्त कर दिया होता है, दैट ही विल कीप आउट वाटर अ ग्रेट वाइल। कहता है वो अपने आप से पानी को ज़्यादा देर तक दूर रख पाता है, इसलिए क्योंकि उसका जो काम होता है ना उसने उसकी चमड़ी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया होता है या बहुत ही ज़्यादा सख्त कर दिया होता है। एंड योर वाटर इज़ अ स्कोर, सॉरी योर वाटर इज़ अ सो डिकेयर ऑफ योर हॉर्सन डेड बॉडी। कहता है क्योंकि पानी जो होता है ना वही आपकी जिस्म के गलने सड़ने में ज़्यादा अमल दखल उसका पानी का होता है, मतलब क्योंकि वही उसका ही एक रीज़न होता है, पानी एक रीज़न होता है जो कि आपकी बॉडी को ज़्यादा गलाता है, साड़ता है। हेयर्स अ स्कल नाउ, अब देखो यहाँ पर एक खोपड़ी है। दिस स्कल हैथ लेन यू इन द अर्थ 23 ईयर्स। कहता है ये जो खोपड़ी है ना ये यहाँ पर पिछले 23 सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है। हैमलेट कहता है हुज वाज इट, ये किसकी खोपड़ी है। फर्स्ट क्लाउन कहता है अ हॉर्सन मैड फेलो इट वाज, ये दुनिया में रहने वाले किसी पागल की खोपड़ी है। हुज डू यू थिंक इट वाज, तुम्हें क्या लगता है ये किसकी हो सकती है। हैमलेट कहता है नहीं, आई नो नॉट, मुझे नहीं पता ये किसकी है। फर्स्ट क्लाउन कहता है अ पेस्टिलेंस ऑन हिम फॉर अ मैड रॉग। कहता है इस पागल आदमी पर मैं लानत भेजता हूँ, मतलब जिसकी ये खोपड़ी है ना उस पर मैं लानत भेजता हूँ। ए मतलब इसने पोर्ड अ फ्लैगन ऑफ रैनिश, मतलब इसने मेरे ऊपर शराब गिराई थी। पोर्ड मतलब गिराना, फ्लैगन ऑफ रैनिश टाइप ऑफ वाइन है, मतलब एक शराब की किस्म है। कहता है जो शराब थी ना ये वाली वो मेरे ऊपर गिराई थी, ऑन माई हेड, मेरे सर के ऊपर वंस, एक बार। कहता है एक बार ना इसने मेरे सर के ऊपर एक शराब गिराई थी। दिस सेम स्कल, इसी सर ने, सर वाज योरक स्कल द किंग्स जेस्टर। फिर एक और खोपड़ी उठा के कहता है ये जो स्कल है ना, ये जो खोपड़ी है ये यॉर्क की है, यॉर्क स्कल है, मतलब उसकी है। यॉर्क कहते हैं जॉर्ज मतलब एक नाम आदमी था। तो कहता है ये जॉर्ज की खोपड़ी है, द किंग्स जेस्टर, बादशाह का जो मस्करा था ना, जो बादशाह को हंसाता था, बादशाह का जो जोकर था, जो बादशाह को हंसाने का काम करता था, कहता है ये उसकी खोपड़ी है। हैमलेट कहता है दिस, ये वाली। फर्स्ट क्लाउन कहता है इवन दैट, जी हाँ ये वाली। हैमलेट कहता है लेट मी सी, खोपड़ी अपने हाथ में पकड़ लेता है, कहता है लेट मी सी, देखने दो मुझे। अलास पुअर योरिक, बेचारा योरिक मतलब जॉर्ज। आई न्यू हिम, मैं इसे जानता था। होरेशो अ फेलो ऑफ इनफाइनाइट जेस्ट। कहता है होरेशो ये बहुत ही ज़्यादा मजाया आदमी था, मतलब ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट फैंसी, और इसकी जो तसव्वुरात थे ना, जो ख्यालात थे वो भी बहुत शानदार हुआ करते थे। ही हैथ बोर मी ऑन हिज बैक 1000 times, मतलब इसने हज़ारों बार मुझे अपनी कमर के ऊपर बिठाया था। एंड नाउ, और अब हाउ एबहॉर्ड इन माई इमेजिनेशन। एबहॉर्ड कहते हैं नफ़रत। कहता है अब मुझे इससे कितनी मतलब नफ़रत हो रही है, इसको देखकर कितनी घिन आ रही है। माई गॉर्ज राइजेज एट इट, मतलब अब मुझे इसको देखकर उल्टी आ रही है। हेयर हंग दोज लिप्स दैट आई हैव किस्ड, आई नो नॉट हाउ ऑफन ऑफ्ट। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसके होंठ है ना, मतलब जो होंठ थे यहाँ पर, वो मैं नहीं जानता मैंने इनको कितनी बार चूमा था, बोसा दिया था। तो यहाँ पर देखो इसके वो होंठ हैं। वेयर बी योर गाइब्स नाउ। कहता है अब तुम्हारी वो चलाकियाँ, वो तुम्हारे मतलब खेल कहाँ पर गए। योर गैम्बल्स, तुम्हारे वो मतलब जो तुम मतलब लोगों के साथ खेल खेला करते थे, चलाकियाँ दिखाया करते थे। योर सॉन्ग्स, तुम्हारे गाने। योर फ्लैश ऑफ मैरीमेंट, तुम्हारी मतलब मज़ा पैदा करने वाली, मतलब लोगों को एंटरटेन करने वाली जो हरकतें होती थी वो कहाँ गई। दैट वर वॉन्ट टू सेट द टेबल ऑन आर रोर, ऐसी हरकतें जो के पूरे मतलब टेबल पर बैठे हुए लोगों को हंसाने पर मजबूर कर देती थी। Not one now to mock your own grinning. कहता है अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारा मजाक सुनकर हंसे, मतलब तुम्हारी हंसी सुन, तुम्हारा मजाक सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। Quiet chap Fallon, ये बहुत अफसोस की बात है। Now get you to my lady's chamber. कहता है अब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी ये जो खोपड़ी है ना, इसको उठाकर हमें ना
हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो यहाँ की रहने वाली औरतें हैं, उनके कमरों में लेकर जाना चाहिए एंड टेल हर, उन्हें बताना चाहिए, लेट हर पेंट एन इंच थिक। अगर वो अपने मुंह पर मतलब मेकअप वगैरह, जो मेकअप वगैरह लगाती हैं वो मतलब लगा भी लें, टू दिस फेवर शी मस्ट कम। तो आखिर में उनके साथ यही हाल होना है जो तुम्हारा हाल है, मतलब उनकी भी ऐसी खोपड़ी बन जानी है, कोई याद नहीं रखेगा उनको। मेक हर लाफ एट दैट। तो ये बात जब मैं उनसे जाके कहूँगा ना, तो वो सारी हंसने लग जाएंगी इस बात के ऊपर। प्रीति होरेशियो टेल मी वन थिंग, कहता है होरेशियो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे एक बात बताओ। होरेशियो कहता है व्हाट्स दैट माय लॉर्ड, क्या बात है मेरे आका, वो क्या बात है। हमने कहता है डोस्ट टू थिंक अलेक्जेंडर लुक्ड ऑन दिस फैशन इन द अर्थ। कहता है होरेशियो क्या तुम्हें लगता है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, मतलब जिसने फतह किया था पर्शियन एम्पायर को, वो भी इस दुनिया में इसी तरह होगा, उसके साथ भी यही हाल हुआ होगा। होरेशियो कहता है इवन सो, जी हाँ ऐसा ही हुआ होगा। हमने कहता है एंड स्मेल्ट सो फॉ, ऐसे फेंक देता है, यू करके फेंक देता है, मतलब जैसे हम नफरत के साथ फेंक नहीं देते किसी चीज़ को, घटिया लगती है, ऐसे कह के वो फेंक देता है। कहता है और उसके पास से भी इस तरह की गंदी बदबू आती होगी। और उसे कहता है इवन सो माय लॉर्ड, आती होगी, इसी तरह की आती होगी मेरे आका। हमने कहता है टू व्हाट बेस यूजेस वी मे रिटर्न, कहता है टू व्हाट बेस यूजेस वी मे रिटर्न, कहता है अगर हम इस चीज़ की बुनियाद की तरफ वापस जाएँ ना, मतलब जहाँ से यह सिलसिला शुरू हुआ था होरेशियो, व्हाई मे नॉट इमेजिनेशन ट्रेस द नोबल डस्ट ऑफ अलेक्जेंडर टिल ही फाइंड इट स्टॉपिंग अ बंग होल। तो कहता है हम ये बात क्यों नहीं सोच सकते कि अब जो होरेशियो है ना, वो क्या होगा कि वो किसी शराब की बोतल को या किसी और चीज़ के सुराख को बंद करने के लिए उसकी जो राख है ना, वो इस्तेमाल हो रही होगी। मतलब अगर हम अपने ख्यालात को पीछे लेकर जाएं, तो हमें ख्यालात में नज़र आएगा कि अब जो अलेक्जेंडर की जो राख है ना, उस राख से किसी भी सुराख को या किसी भी चीज़ के ढक्कन को, मतलब ऐसा मतलब उसको ढक्कन की तरह रख कर बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा अलेक्जेंडर की खाक से। और उसे कहते हैं ट्वेयर टू कंसिडर टू क्यूरियसली टू कंसिडर सो, कहता है जनाब इतना ज़्यादा मतलब गहराई में सोचने के लिए बहुत ही ज़्यादा गहरी वजह भी होना ज़रूरी होती है। टू कंसिडर सो, कहता है बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं, बहुत ही डीप बात कर रहे हैं। हैमर कहता है नो फेयर नॉट अ जॉट, कहता है मैं गहरी बात नहीं कर रहा, ये तो सीधी सीधी बात है। बट टू फॉलो हिम दाइदर विद मोडेस्टी इनफ, कहता है अगर हम इसको मतलब कुदरत के हिसाब से चलें ना, जिस तरह से जो नेचर है वो चलती है उसी हिसाब से चलें ना, बिना किसी चीज़ को बढ़ाए या घटाए, तो एंड लुक लाइकलीहुड टू लीड इट, तो हमें ये बात उसी चीज़ की तरफ लेकर जाएगी जो अभी अभी मैंने तुम्हें कही है। अच्छा, वो अब उसको ना समझाएगा कि कैसे जो अलेक्जेंडर की जो खाक है वो कैसे किसी चीज़ को बंद करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। कहता है एज दस अलेक्जेंडर डाइड, जैसा कि अलेक्जेंडर मर गया, अलेक्जेंडर वॉज बरीड, उसको दफना दिया गया, अलेक्जेंडर रिटर्न इन टू डस्ट, मतलब वो ज़मीन में डिकम्पोज हो गया और मिट्टी बन गया, खाक बन गया। द डस्ट इज़ अर्थ, और जो खाक थी उसकी वो मिट्टी में शामिल हो गई। ऑफ अर्थ वी मेक लोम, उस मिट्टी में शामिल हो गई जिससे हम गारा बनाते हैं। एंड वाई ऑफ दैट लोम, और क्यों नहीं है कि उस गारे से वेयर टू ही वॉज कन्वर्टेड, और उस गारे को तब्दील कर दिया गया है, माइट दे नॉट स्टॉप अ बियर बैरल, मतलब शराब के एक डब्बे को बंद करने के लिए उस गारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस गारे से उसकी खाक जो थी, मतलब जिसमें अलेक्जेंडर की खाक है। कहता है ऐसा हो सकता है। फिर कहता है इम्पीरियस सीजर, वो जो बहुत ही शाही जो सीज़र था, जूलियस सीज़र, डेड एंड टर्न्ड टू क्ले, वो भी मर गया और मिट्टी में तब्दील हो गया। माइट स्टॉप अ होल टू कीप द विंड अवे, वो भी किसी मतलब सुराख को बंद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा जिससे आंधी या तूफान से बचा जा सके। ओ दैट द अर्थ विच केप्ट द वर्ल्ड इन ओ, कहता ये वो बंदा था जो कि पूरी दुनिया को मतलब चलाता था या हिला कर रख देता था। शुड पैच अ वॉल टू एक्सपेल द विंटर्स फ्लो, कहता है अब वो खुद किसी मतलब सर्दियों में आने वाले तूफान से बचने के लिए किसी सुराख को बंद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। कहता है ये तो किस्मत है हमारी, कुछ भी नहीं रहना यहाँ पर। बट सॉफ्ट, लेकिन रुको ज़रा, बट सॉफ्ट, रुको असाइड, पीछे हट जाओ, हेयर कम्स द किंग, वो देखो बादशाह आ रहा है। अच्छा, अब जो सीन था वो इनका ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर बादशाह आता है, इंटर प्रीस्ट मतलब पादरी आता है, उसके साथ ओफीलिया का जनाजा होता है, लेटस होता है, और बाकी किंग क्वीन और बाकी सारे अटेंडेंस वहाँ पर होते हैं। क्वीन द कोर्टियर हु इज़ दैट दे फॉलो, हैमलेट कहता है ये तो बादशाह है, और ये मतलब ये जो मलिका है और ये जो दरबारी हैं,
ये किसको लेकर आ रहे हैं एंड विद सच मेमड राइट्स, और मतलब इतने गैर मुकद्दस तरीके के साथ, मतलब बहुत ही घटिया तरीके के साथ किसको लेकर आ रहे हैं, मतलब इसकी रिवायात नहीं पूरी की गई इन्होंने, इसको इज्जत के साथ नहीं लेकर आ रहे। दिस डॉथ बी टोकन कहता है ये हमें बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। द कोर्स दे फॉलो डिड विद डेस्परेट हैंड फोडो इट्स ओन लाइफ, कहता है ये जो लाश है ना, ये लाश जिस तरह नज़र आ रही है, जिस तरह से इसके हाथ हैं, इन हाथों को देखकर लग रहा है कि इसने अपनी जान खुद ही ली है, मतलब इसने खुदकुशी की है। इट वॉज ऑफ सम स्टेट, ये किसी शाही घराने के लग रही है। अभी हैमलेट को पता नहीं है कि ये ओफीलिया है, मतलब उसे सिर्फ इतना पता है ये कोई, मतलब कोई लेडी है जो कि शाही घराने से ताल्लुक़ रखती है। काउच वी अ वाइल एंड मार्क, कहता है हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि ये कौन है। लेटर्स कहता है व्हाट सेरेमनी एल्स, और कौन सी रसूमायत हैं जो पूरा होना अभी बाकी हैं। हैमलेट कहता है दैट इज़ लेटस, हैमलेट कहता है ये तो लेटस है, अ वेरी नोबल यूथ मार्क, कहता है इसको मैंने पहचान लिया है, बहुत ही शरीफ और भला आदमी है ये। लेटस कहता है व्हाट सेरेमनी एल्स, कौन सी रसूमात बाकी हैं, कौन से मतलब फंक्शन होना बाकी रह गए हैं इसके ऊपर। फर्स्ट प्रीस्ट, मतलब प्रीस्ट के जो पादरी है, वो कहता है हर ऑब्सिक्यूज हैव बीन एज फार इनलॉज्ड एज वी हैव वरंटाइज, कहता है जितनी हमें इजाज़त मिली थी ना, जितनी परमिशन मिली थी, उतने इसके जो मतलब जनाजे के जो जो मतलब रिवाज वगैरह था ना, जो ट्रेडिशन था, वो हमने पूरा कर लिया है, जितनी हमें इजाज़त मिली थी वो सब कुछ हो चुका है। हर डेथ वॉज डाउटफुल, चूँकि इसने खुदकुशी की थी, एंड बट दैट ग्रेट कमांड ओवर सेज द ऑर्डर, लेकिन हमें बादशाह की तरफ से हुक्म मिला है, मतलब बादशाह ने हमें ये हुक्म दिया है, शी शुड इन ग्राउंड अनसेक्टिफाइड हैव लॉज टिल द लास्ट ट्रम्फेट, यानी कि आखिरत के दिन तक अब इसको यहीं पर हम दफना देंगे, ताकि आखिरत के दिन तक, मतलब ये यहीं पर दफनाई रहेगी। फॉर चैरिटेबल प्रेयर्स, अगर दुआओं की बात की जाए तो कहता है दुआओं की बजाय शार्ड्स फ्लिंट्स एंड पेपल्स शुड बी थ्रोन ऑन हर, कहता है इसको मगरत इसके हक में मगफरत के लिए दुआएं करने के बजाय हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर, इसके जिस्म के ऊपर पत्थर फेंकें। येट हेयर शी इज़ अलाउड हर वर्जिन क्राउन्स, लेकिन उसके बजाय हम इसको यहाँ पर एज अ वर्जिन, मतलब शादी के बगैर, मतलब इसको यहाँ पर दफना रहे हैं। हर मेडन स्ट्रीमेंट्स एंड द ब्रिंगिंग होम ऑफ बेल एंड ब्यूरियल, मतलब हर मेडन स्ट्रीमेंट्स का मतलब है कि इसको शादी के बगैर, मतलब एज अ वर्जिन दफना रहे हैं, ताकि इसके जिस्म से खुशबू आती रहे, एंड द ब्रिंगिंग होम ऑफ बेल एंड ब्यूरियल। क्रिश्चियंस में ये रिवाज होता है कि जब वो मतलब उनकी जो मतलब किसी लड़की की शादी होती है, तो जब वो शादी वाले घर जाती है तो वहाँ पर एक बेल लगी होती है घर के बाहर, जो उसको बजानी होती है, जो बजती रहती है। तो इसी तरह से वो कहता है कि ये बेल एक है कि जो मतलब इसके कब्र पर लगाई गई है, जो बजेगी। फिर आगे लाइंस है लेटस की, लेटस कहता है मस्ट देयर नो मोर बी डन, कहता है इसके अलावा और कोई चीज़ तो नहीं है जो करनी है। फर्स्ट प्रीस्ट कहता है नो मोर बी डन, नहीं इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वी शुड प्रोफेन द सर्विस ऑफ द डेड, मतलब जो लोग मरे हुए हैं ना, हम उनके उनके शान में गुस्ताखी करेंगे। टू सिंग अ रिक्वीम एंड सच रेस्ट टू हर एज टू पीस पार्टेड सोल, कहता है अगर हम मतलब इसके हक में कोई दुआ गाएंगे, मतलब कोई दुआ करेंगे या कोई नगमे वगैरह गाएंगे ना, जो मरने वालों के, मतलब मरने वालों के हक में की जाती हैं या गाए जाते हैं उनके मरने पर, तो कहता है ऐसा होगा कि जो लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं, जो जो लोग मरे पड़े हैं यहाँ पर, तो उनके उनके ये ना, उनकी शान में गुस्ताखी होगी ये चीज़, अगर हम इसके लिए कोई चीज़ गाएंगे। आगे है लेटस कहता है ले हर इन द अर्थ, इसको मतलब ज़मीन में उतार दो, एंड फ्रॉम हर फेयर एंड अनपोल्यूटेड फ्लैश में वायलेट स्प्रिंग, और इसके प्यारे और पाकीज़ा, मतलब पाक जिस्म से खुशबुएं आने दो, फूलों की खुशबुएं आने दो। आई टेल दी, कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब चर्लिश प्रीस्ट कहता है, चर्च के पादरी, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अ मिनिस्टरिंग एंजल शेल माई सिस्टर बी, मतलब जन्नत के अंदर ना मेरी जो बहन है ना, वो एक फरिश्ता होगी। व्हेन दो लाइस्ट हॉलिंग, जब तुम जहन्नुम के अंदर चीखो पुकार कर रहे होगे, मतलब जब तुम जहन्नुम के अंदर चीखो पुकार कर रहे होगे, तब मेरी बहन जन्नत में एक फरिश्ता होगी, मतलब वो उसकी बख्शिश हो जाएगी, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। हैमलेट आगे से कहता है व्हाट द फेयर ओफीलिया, प्यारी ओफीलिया, मतलब यहाँ पे हैमलेट को पता चला ये ओफीलिया की बात हो रही है। उसके बाद क्वीन की लाइन्स है, क्वीन कहती है कि स्वीट्स टू द स्वीट, मतलब प्यारी, मतलब प्यारी लड़की के लिए प्यारे फूल, फेयरवेल, अलविदा, उसके ऊपर फूल फेंकने लग गई उसके ऊपर। आई होप्ड दो शुडेस्ट हैव बीन माई हैमलेट्स वाइफ, कहती है मेरी ख्वाहिश थी कि काश तुम मेरे बेटे हैमलेट की बीवी होती। आई थॉट दाई ब्राइड बेड टू हैव डेक्ट, मतलब
मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मतलब मैं तुम्हारे जो दुल्हन का जो मतलब तुम्हारा जो बिस्तर था ना, मतलब जो बेड था तुम्हारा दुल्हन वाला, उसके ऊपर मैं फूल बिछाती, स्वीट मेड प्यारी लड़की, एंड नॉट हैव स्ट्रीड दाई ग्रेव, ना कि तुम्हारी इस कब्र के ऊपर। वो कहती है कि मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी कब्र पर फूल बिछाने के बजाय तुम्हारे जो शादी वाला जो बिस्तर होगा, मतलब जो दुल्हन का जो बिस्तर होता है, उसके ऊपर काश मैं फूल बिछाती। लेटेस्ट कहता है, ओ ट्रेबल वो, ये बहुत ही बड़ा गम है, फॉल 10 टाइम्स ट्रेबल ऑन दैट कर्स्ड हेड। कहता है ये मतलब ट्रेबल वो, मतलब 3 गुना बड़ा ये गम है जो कि 10 गुना बड़ा होकर बरसे। कर्स्ड हेड किस पर, मतलब उस कमीने पर, उस लानती के सर के ऊपर वो ये जो गम है ना, ये बरसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ के। हुज़ विक्ट डेड दाई मोस्ट इंजीनियस सेंस डिप्राइव्ड दी ऑफ, मतलब उस कमीने के ऊपर ये बरसे जिसकी वजह से मेरी बहन जो है वो पागल हो गई है। होल्ड ऑफ दी अर्थ अ वाइल टिल आई हैव कॉट हर वंस मोर इन माइन आर्म्स, मतलब कहता है 2 मिनट रुक जाओ, इसको दफनाने का अमल 2 मिनट रोक दो, मुझे इसको आखिरी बार अपनी बाहों में लेने दो। मतलब उसको फिर कब्र को ना पकड़ लेता है, कब्र को लिपट जाता है वहाँ पर। नाउ पाइल योर डस्ट अपॉन द क्विक एंड डेड टिल ऑफ दिस फ्लैट अ माउंटेन यू हैव मेड। कहता है कि मेरे अब ना, अब हम दोनों के ऊपर इतनी मिट्टी डालो कि जो तुमने ये मिट्टी का पहाड़ साइड पे बनाया हुआ है ना, इसके जितना ये पहाड़ हो जाए। टू ओवर टॉप ओल्ड पीलियन और द स्काइश हेड ऑफ ब्लू ओलंपस, कहता है ये पहाड़ इतना बड़ा हो जाए कि जो आसमान है ना, मतलब यहाँ पे दो पहाड़ों का जिक्र किया गया है, ओल्ड पीलियन और ब्लू ओलंपस, मतलब इन हमारा जो पहाड़ है ना, जो तुम हमारे ऊपर मिट्टी डालोगे, वो इतना बड़ा हो जाए कि ओल्ड पीलियन और ब्लू ओलंपस को भी वो क्रॉस कर जाए। हैमलेट आगे बढ़कर कहता है, व्हाट इज़ ही हुज़ ग्रीफ, ये कौन है कि जिसका जो दुख है बियर्स सच एन एम्फेसिस, कि इसके दुख में इतनी ज़्यादा शिद्दत है, इतनी ज़्यादा ताकत है। हुज़ फ्रेज ऑफ सोरो, कि जिसके जो दुख वाले अल्फाज हैं, कंज्यूज द वॉन्डरिंग स्टार्स, मतलब जो गर्दिश करने वाले जो सितारे हैं, मतलब जो आसमान में जो घूम रहे हैं जो भी प्लैनेट्स, मतलब उनको क्या कर दिया है, कंज्यूज, मतलब उनको रोकने पर मजबूर कर दिया है। एंड मेक्स देम स्टैंड, और मतलब उनको मेक्स देम स्टैंड, मतलब उनको रुकने पर मजबूर कर दिया है। लाइक वॉन्डर वाउंडेड हेयरर्स, बिल्कुल इसी तरह के जैसे कि कोई एक बंदा कोई हैरान करने वाली, परेशान करने वाली बात सुनकर एक सकते में आ जाता है, मतलब रुक सा जाता है, उसी तरह से उन प्लैनेट्स को भी रोक के रख दिया है। दिस इज़ आई, ये मैं हूँ, हैमलेट द डेन, डेनमार्क का हैमलेट, लीप्स इनटू द ग्रेव, मतलब वो कब्र को लिपट जाता है वहाँ पर ये बातें करके। लेटस को जब पता चलता है जी हैमलेट आ गया, लेटस उसको कहता है, द डेविल टेक दाई सोल, शैतान तुम्हें मतलब मार दे, तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले। अब ये लड़ाई करने लग गए दोनों। हैमलेट आगे से कहता है, दो प्रेज नॉट वेल, कहता है ये जो तुम मुझे दुआ दे रहे हो ना, ये दुआ देने का कोई ठीक तरीका नहीं है, मुझे दुआ देनी है तो कोई दुआ दे दो, बद्दुआ क्यों दे रहे हो। आई प्री दी, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, टेक दाई फिंगर्स फ्रॉम माई थ्रोट, मतलब मेरे गले से अपनी उंगलियाँ हटा लो। फॉर दो आई एम नॉट स्प्लेंटिव एंड रैश, कहता तुम्हारे लिए मैं गुस्से में नहीं हूँ, मतलब तुम्हें तुम्हारे साथ लड़ते हुए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, या ना मैं गुस्से में नहीं आना चाहता। येट हैव आई इन मी समथिंग डेंजरस, कहता लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़, ख़तरनाक चीज़ है, विच लेट दाई विजडम फियर, कि जिससे तुम्हें डरना चाहिए, मतलब जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। पहले कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़, ख़तरनाक चीज़ है, कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मतलब फिर तुम्हें डर लगेगा उससे। अवे दाई हैंड, पीछे हाथ करो अपने। किंग 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 कहता है, प्लक दैम असंडर, मतलब उन दोनों को अलग अलग कर देता है किंग। क्वीन कहती है, हैमलेट हैमलेट, सारे लोग कहते हैं, जेंटलमैन जनाब रुकिए रुकिए। होरेशियो कहता है, गुड माई लॉर्ड बी क्वाइट, कहता है मेरे प्यारे आका सुकून में आ जाइए। हैमलेट कहता है, वाई आई विल फाइट विद हिम अपॉन दिस थीम अनटिल माई आईलिड्स विल नो लॉन्गर वेग, कहता है मैं इससे तब तक मतलब इस मौजू पर लड़ाई करूँगा जब तक मेरी जो आँखें झपकने की जो ताकत है ना वो ना ख़त्म हो जाए। क्वीन कहती है, ओ माई सन, है मेरे प्यारे बेटे, वट थीम, किस मौजू की बात कर रहे हो। हैमलेट कहता है, आई लव्ड ओफीलिया, मैं ओफीलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वान्टिटी ऑफ लव मेक अप माई सम, मतलब अगर 40 जो भाई है ना, मतलब 40,000 जो भाई हैं, उनका उनको भी उनके प्यार को भी जमा कर लिया जाए ना, तब भी वो मेरा जो ओफीलिया के साथ प्यार था उसको बराबर नहीं कर सकते, मतलब उसके बराबर उसका उनका प्यार नहीं हो सकता। वट विल्ट दो डू फॉर हर, तुम इसके लिए क्या कर सकते हो।
किंग कहता है ओ ही इज मैड लेटस, कहता है लेटस तुम छोड़ो ये पागल है। क्वीन कहती है फॉर लव ऑफ गॉड फॉर बियर हिम, क्वीन कहती है कि खुदा के लिए इसको माफ़ कर दें। हैमलेट कहता है स्वाउंस, कहता है मैं कसम खाता हूँ शो मी व्हाट दो इट डू, मतलब तुम क्या कर सकते हो ओफीलिया के लिए। वूट वीप, क्या तुम रो सकते हो। वूट फाइट, क्या तुम इसके लिए लड़ सकते हो। वूट फास्ट, क्या तुम इसके लिए भूखे रह सकते हो। वूट टीयर दाई सेल्फ, क्या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो इसके लिए। वूट ड्रिंक अप आइजल, मतलब क्या तुम इसके लिए शराब पी सकते हो। ईट अ क्रोकोडाइल, या फिर कोई मगरमच्छ खा सकते हो। आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ ये सब कुछ। डोस दो कम हेयर टू वाइन, तुम सिर्फ यहाँ पर रोने के लिए आए हो। टू आउट फेस मी विद लिपिंग इन हर ग्रेव, ताकि तुम इसकी मतलब कब्र से लिपट कर मेरा सामना कर सको, मतलब मुझे बातें सुना सको, तुम सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हो। बी बरीड क्विक विद हर, ताकि तुम इसके साथ ही मतलब यहाँ पर दफना दिए जाओ जिंदा। एंड सो विल आई, और मैं भी इसी चीज़ के लिए आया हूँ। एंड और इफ़ द प्रेट ऑफ माउंटेन्स लेट दैम थ्रो मिलियंस ऑफ एकर्स ऑन अस, कहता है कि अगर तुम पहाड़ों की बातें करके अपनी तारीफ करोगे ना, शेखी बिखेरोगे, लेट दम, तो मैं क्या करता, कहता है कि मैं कहूँगा कि जो पहाड़ है ना उनको तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंकने चाहिए, मतलब बहुत सारी ज़मीन जो है वो तुम्हारे ऊपर फेंकनी चाहिए। टिल आर ग्राउंड, जब तक के हमारी जो ज़मीन है मतलब पहाड़ हम पर इतना इतना बरसाएँ, इतना कहर बरसाएँ कि हमारी जो ज़मीन है ना कहर बरसने से क्या हो कि वो भी एक पहाड़ बन जाए। सिंगिंग हिज पेट अगेंस्ट द बर्निंग जून, कि उसका जो पहाड़ का जो सिरा होगा ना ऊपर वाला वो आसमान के सिरे को छूने लग जाए, टच करने लग जाए। मेक ओसा लाइक अ वॉट, ओसा एक पहाड़ का नाम है, कहता है जो ओसा पहाड़ है ना वो बिल्कुल एक छोटे मतलब बिल्कुल एक छोटी चीज़ लगने लग जाए, इतनी बड़ी वो हो जाए। एंड दो इट माउथ, मतलब अगर तुम बात करोगे ना, तुम अपना मुंह खोलोगे मतलब कोई चवली मारोगे, आई विल रेंट एज वेल दो, तो मैं भी उसके जवाब में तुम्हें जवाब दूंगा। क्वीन कहती है दिस इज मियर मैडनेस, ये सरासर पागलपन है। एंड दस अ वाइल द फिट विल वर्क ऑन हिम, कहती है इससे पहले भी ये इसके ऊपर ये पागलपन छाया हुआ था। एनन, बहुत जल्द ही एज पेशेंट एज द फीमेल डव, कहती है ये बिल्कुल उसी तरह से सुकून में आ जाएगा जैसे जो मादा फाख्ता होती है, डव मतलब वो परिंदा होता है फाख्ता, कहती है उसी की तरह ये सुकून में आ जाएगी। वेन दैट हर गोल्डन कपलेट्स आर डिसोल्ड हिज साइलेंस विल सिट ड्रॉपिंग, कहती है जब जो उसके जो मतलब सुनहरी रंग के जो अंडे होंगे ना वो फूटेंगे ना, मतलब जब उनसे बच्चे निकलेंगे, जिस तरह से वो सुकून में आ जाती है ना, मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, उसी तरह से ये भी खामोश हो जाएगा। हैमलेट कहता है हियर यू सर, इधर बात सुनो मेरी जनाब, व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू यूज मी दस, कहता है क्या वजह थी कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो या मेरा इस्तेमाल तुमने क्यों किया। आई लव्ड यू एवर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब हैलेटस को कह रहा है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट इट इज़ नो मैटर, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेट हरक्यूलिस हिमसेल्फ डू व्हाट ही मे, हरक्यूलिस मतलब एक ये भी एक करैक्टर था, तो बहुत ही मतलब माइटी करैक्टर था ये भी, उसके उसके साथ ही अपने आप को कंपेयर करके कह रहा है कि जो हरक्यूलिस है ना, चलो उसको जो भी करना है ना वो करने दो। द कैट विल म्याऊ, यहाँ पे कैट वो कह रहा है लेटस को, कहता है इसको म्याऊ करने दो, मतलब ये एक बिल्ली की तरह म्याऊ करेगा। एंड डॉग विल हैव हिज डे, और मैं मतलब एक जैसे कि बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी होती है ना, कहता है मैं बिल्कुल उसी कुत्ते की तरह इसे जवाब भी दूंगा। फिर किंग कहता है आई प्रे यू, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ गुड होरेशियो, प्यारे होरेशियो, वेट अपॉन हिम, इसे संभालो, इसे ले जाओ यहाँ से। अच्छा, फिर लेटस को कहता है स्ट्रेंथन योर पेशेंस इन आवर लास्ट नाइट स्पीच, कहता है जो हमने कल रात जो मतलब आखिरी रात हमने जो बात की थी, जो बातें हुई थी हमारे दरमियान, उसी बातों के लिए तुम सुकून में आ जाओ, मतलब उनको याद करो और सुकून में आ जाओ, सब्र करो। वी विल पुट द मैटर टू द प्रेजेंट पुश, हम अपने मामले को आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसको सर अंजाम देंगे। गुड गर्ट्रूड, प्यारी गर्ट्रूड, सेट सम वॉच ओवर योर सन, मतलब अपने बेटे के ऊपर थोड़ी सी निगरानी रखो, मतलब किसी को कहो कि उसके ऊपर देखें कहीं और पागल ना हो जाए। दिस ग्रेव शैल हैव अ लिविंग मोनूमेंट, लिविंग मोनूमेंट का मतलब है कि मतलब एक कब्र जो होती है ना, कोई बंदा जब मर जाता है तो उसका मकबरा बनाया जाता है उसकी याद में, तो कहता है इसका लिविंग मोनूमेंट बनाया जाएगा। कैसे, मतलब हैमलेट की कुर्बानी देकर, हैमलेट को मार कर, हैमलेट का मर्डर करके इसका ओफीलिया का मतलब मकबरा जो है वो बनाया जाएगा। एन ओवर ऑफ क्वाइट शॉर्टली शैल वी सी, कहता है बहुत जल्द ही हम सुकून देखेंगे, मतलब ये जो इतनी उलझन हमें आई हुई है, मुसीबतें आई हुई हैं, हैमलेट आया हुआ है, लेटस आया हुआ है, इन सब से बहुत जल्द हमें छुटकारा मिल जाएगा। टिल देन, तब तक
इन पेशेंस आर प्रोसीडिंग भी, तब तक हमारा जो मतलब सब्र है ना, हमें हर काम सब्र के साथ करना होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।